हमने रिकरिंग अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट समझ लिया कि रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट क्या है, डिपॉजिट अकाउंट क्या होता है जिसमें हम एक फिक्स अमाउंट हर महीने डिपॉजिट करते रहते हैं और उससे बदले हमें इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन वो इंटरेस्ट थोड़ा ज्यादा मिलता है। ओके, नाउ अब हम आते हैं फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट क्या होता है, जिसमें हम जाते हैं बैंक में और एक अकाउंट खुलवाते हैं, उसका नाम है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। यानी कि एक ही बार चाहे आप जितना भी अमाउंट है, जो भी अमाउंट आप डिपॉजिट करना चाहते हो, 50,000 है, जितना भी अमाउंट आप डिपॉजिट करना चाहते हैं, आप जाते हैं बैंक में और आप उस अमाउंट को डिपॉजिट करते हैं वहां पर। और वो क्या होता है, शॉर्ट टाइम के लिए नहीं होता है, वो क्या होता है लॉन्ग टाइम के लिए होता है, फॉर 1 year, 3 year, 5 year, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कितने साल से आप डिपॉजिट करते हो। हाँ, और बैंक इसके बदले में कहता है आपको रिसिप्ट देता है कि आपने इतना अमाउंट हमारे बैंक में डिपॉजिट करवाया है। और जब मैच्योरिटी डेट आता है, फॉर एग्जाम्पल आपने एक साल तक डिपॉजिट करवाया और एक साल तक कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद आपको जो इंटरेस्ट मिलता है वो थोड़ा ज्यादा मिलता है। फॉर एग्जाम्पल 5%, 6.5% जो करंट रेट चल रहा है, या फिर 7, 8, 9, जो भी बैंक ने परसेंटेज फिक्स किया उसके हिसाब से क्या मिलता है वो इंटरेस्ट रेट करते हैं। तो आप देखिएगा जो सेविंग अकाउंट बात करते हैं वहाँ पर इंटरेस्ट बहुत कम था, जब रिकरिंग अकाउंट में हम आए और करंट डिपॉजिट अकाउंट, उसमें इंटरेस्ट जीरो होता है, बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं मिलता। रिकरिंग अकाउंट में सेविंग अकाउंट में थोड़ा सा ज्यादा मिलता है, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में इंटरेस्ट और ज्यादा मिलता है। ओके, नाउ मल्टीपल डिपॉजिट अकाउंट जो होता है वो मिक्सअप रहता है इसका सेविंग और करंट अकाउंट का, जब हम उसमें दोनों फैसिलिटीज आपको मिलती है, सेविंग अकाउंट फैसिलिटीज भी मिलेगी और करंट अकाउंट की फैसिलिटीज भी मिलेगी। यानी कि आप वहां पर पैसे डिपॉजिट करते हो तो आपको वहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या मिलता है, थोड़ा ज्यादा मिलता है। किसके किस तरीके से मिलता है, जो सेम जो फिक्स डिपॉजिट है उसी के तरीके से, जैसे फिक्स डिपॉजिट में रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा था, वैसे से मल्टीपल डिपॉजिट अकाउंट में इंटरेस्ट रेट क्या होता है, ज्यादा होता है और आपको पैसे इसमें करते नहीं है। ओके, वो क्या होगा आपका मल्टीपल डिपॉजिट।